हेलो एवरीवन वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू लाइफ साइंस पाठशाला मेरा नाम है आस्था गोस्वामी और मैं आप लोगों को बॉटनी का मॉडल पेपर सॉल्व करा रही हूँ जिसमें मॉडल पेपर वन कंप्लीट हो चुका है और ये मॉडल पेपर टू का पार्ट टू है पार्ट वन हम कंप्लीट कर चुके हैं आज पार्ट टू है एक मॉडल पेपर में एटी क्वेश्चन हैं जिसमें से पार्ट वन में फोर्टी क्वेश्चन कम्प्लीटेड है और बाकी का फोर्टी क्वेश्चन आज हम पार्ट टू में देखेंगे जितने भी क्वेश्चन मॉडल पेपर में हैं वो सारे ही ना किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ठीक है और ये मॉडल पेपर उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे जो लोग बीपीएससी मतलब बिहार पीजीटी या यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा क्योंकि यही सारे एग्जाम्स के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉडल पेपर में इंक्लूड किए हैं ठीक है तो जिन लोगों ने मॉडल पेपर वन नहीं देखा है और मॉडल पेपर टू का पार्ट वन नहीं देखा है वो लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं चलिए शुरू करते हैं क्लास को जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं और टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप कमेंट बॉक्स में देखेंगे वहाँ पर भी पिन किया रहेगा आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को हम देखते हैं पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है द करेक्ट एग्जाम्पल पेयर ऑफ स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स इज यहाँ पे कुछ पॉलीसेक्राइड्स दिए हुए हैं हमें बताना है कि वो करेक्ट पेयर कौन सा है जो स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड को रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं ऐसे पॉलीसेक्राइड जो कि किसी स्ट्रक्चर का कंपोनेंट हो उसको स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड कहते हैं ठीक है बेसिकली जो पॉली हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है उनके फंक्शन के बेसिस पे एक तो वो पॉली जो कि किसी चीज़ का स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड कहते हैं और दूसरी कैटेगरी है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड वो पॉलीसेकेराइड जो कि स्टोरेज करने का काम करते हैं उनको स्टोरेज पॉलीसेकेराइड कहते हैं यहाँ पे हमें स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड को पहचानना है ऑप्शन है हमारा ए सेलुलोज एंड स्टार्च बी है काइटीन एंड स्टार्च सी है काइटीन एंड सेलुलोज और डी है सेलुलोज एंड फैट तो ऑप्शन डी में फैट है और फैट कोई पॉलीसेक्राइड नहीं है तो सबसे पहले डी तो डी ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया ठीक है डी नहीं होगा बाकी ऑप्शन देखते हैं बी में कहा जा रहा है काइटीन एंड स्टार्च तो काइटीन हमारा स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड है क्योंकि हम जानते हैं काइटीन जो है ये किसका कंपोनेंट है फंगल वॉल फंजाई का जो वॉल होता है वो काइटीन से बना होता है ठीक है तो काइटीन स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड है लेकिन स्टार्च की अगर बात करें हम तो स्टार्च जो है ये स्टोरेज पॉलिसेक्राइड है ये क्या करता है प्लांट स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करने का काम करता है तो स्टार्च हमारा स्टोरेज पॉलिसेक्राइड है ना कि स्ट्रक्चरल पॉलिसक्राइड तो बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया बाकी बचता है ए और सी ए में कहा जा रहा है सेलुलोज एंड स्टार्च अब यहाँ भी सेल स्टार्च आ गया तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा सेलुलोज होता है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड क्योंकि सेलुलोज ही है हमारा बेसिक कंपोनेंट जो कि प्लांट के सेल वॉल में होता है ठीक है तो प्लांट सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है तो सेलुलोज होगा बट स्टार्च है तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है बचता है हमारा सी तो यही राइट आंसर होगा जिसमें है काइटीन और सेलुलोज सेलुलोज प्लांट सेल वॉल का कंपोनेंट और काइटीन फंगल सेल वॉल का कंपोनेंट ठीक तो right है तो राइट आंसर है सी अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड क्या होता है जब नाइट्रोजिनस बेस ठीक है नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर और पेंटोस शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड पी फोर ठीक है नाइट्रोजिनस बेस पेंटोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड ये तीनों मिलते हैं तो उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड ठीक है लेकिन अगर केवल नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोस शुगर हो तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड ठीक है और अगर उससे फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है तब उस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोटाइड कहने लगते हैं तो ऑप्शन है हमारा ए साइटीडीन बी ग्वानाइलिक एसिड सी थाइमीडीन और डी ग्वानोसिन तो ये जो साइटिडीन थाइमीडीन और ग्वानोसिन है ये तीनों ही न्यूक्लियोसाइड हैं मतलब इनमें केवल नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर हैं जबकि ये जो बी है ग्वानाइलिक एसिड इसमें फॉस्फोरिक एसिड भी ऐड है तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड ठीक है तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजनस बेस जो है दो तरीके का होता है प्यूरिन और पायरिमिडीन प्यूरिन में दो तरीके के नाइट्रोजनस बेस हैं एडिनिन एंड गुआनिन और जो पायरिमिडिन है उसमें आता है साइटोसिन थाइमिन और यूरेसिल ठीक है तो प्यूरिन और पायरेमिडिन की अगर हम बात कर लें तो अगर न्यूक्लियोसाइड उसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड आप नाम से पहचान सकते हैं जैसे अगर न्यूक्लियोसाइड में प्यूरिन हैं तो प्यूरिन के केस में जो प्रिफिक्स होगा मतलब लास्ट में लगा सीन लगा होगा जैसे ग्वानोसिन ग्वानिन प्यूरिन है और इसके एंड में सीन लगा हुआ है यहाँ पे ये देखिए ग्वानोसीन सीन लगा हुआ है तो ये न्यूक्लियोसाइड हो गया ऐसे आप पहचान सकते हैं सीन है तो न्यूक्लियोसाइड हो गया ठीक है और अगर पायरिमिडीन है तो वहां पर लास्ट में डीन लगा होगा जैसे साइटोसिन पायरिमिडीन है तो यहाँ पर साइटिडीन हो गया तो ये न्यूक्लियोसाइड है थाइमी डीन थाइमिन पायरिमिडिन है ठीक है उसमें डीन लग गया तो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड ठीक है जबकि ग्वानाइलिक एसिड जो है यहाँ पे एसिड है मतलब फॉस्फोरिक एसिड भी इस न्यूक्लियोसाइड में ऐड हो गया तो ये बन गया हमारा न्यूक्लियोटाइड ठीक right है राइट आंसर है बी अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक एल्गी पैरासिटिक एल्गी का एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सा है ऑप्शन देखते हैं ए है हमारा एनाबिना साइकेड डेरम बी है एंडोफाइटॉन रेमोसिस रेमोसम सी है सीफेल्यो रॉस स्पेसीज और डी है फॉर मीडियम स्पेसिस तो ये जो सी है ना सीफेलियो रॉस स्पेसीज यही है हमारा पैरासिटिक एल्गी सिफेल्यो रॉस स्पेसिस जो है ये एक ग्रीन एल्गी है ठीक है क्लोरोफाइटा का मेंबर है ग्रीन एल्गी सिफेल्यो रॉस स्पेसीज जो कि पैरासिटिक एल्गी है ठीक है राइट right आंसर है सी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटो रेस्पायरेशन इज फोटो रेस्पायरेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है ऑप्शन है ए ग्लाइसीन बी फॉस्फोग्लाइकोलेट सी ग्लाइकोलेट डी सेरिन। फोटो रेस्पायरेशन का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो है फॉस्फोग्लाइकोलेट ठीक है फॉस्फोग्लाइकोलेट राइट आंसर है बी नेक्स्ट विच इज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन चार क्लासिफिकेशन है हमें बताना है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा है ऑप्शन ए है लीनियस क्लासिफिकेशन बी है बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन सी एंगलर एंड प्रांटल्स क्लासिफिकेशन या फिर डी हजिंसन्स क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन को ठीक है इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था बेंथम एंड हुकर ने तो राइट right आंसर है हमारा बी लीनियस क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहा जाता है और एंगलर एंड प्रांटल्स एंड हचिनसन क्लासिफिकेशन ये दोनों फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं टेक्सॉन रिफर्स टू टेक्सॉन का क्या मतलब है ऑप्शन है हमारा ए स्पेसीज बी जीनस सी फैमिली डी ग्रुप ऑफ एनी रैंक तो टेक्सॉन जो है वो किसी भी टेक्सोनमी ग्रुप मतलब ग्रुप ऑफ एनी रैंक मतलब किसी भी रैंक का जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप होता है उसी को टैक्सोन कहते हैं ठीक है ठीके? और बाकी ये जो स्पेसीज जीनस और फैमिली हैं ये एक एक रैंक है ठीक है और किसी भी रैंक का जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप होता है उसको टैक्सोन कहते हैं अगर जीनस पूछे स्पेसीज या फैमिली या ऑर्डर बोले तो वो होगा एक रैंक ठीक तो राइट right आंसर होगा हमारा डी अगला क्वेश्चन है भोजपत्र इज ऑपटेन फ्रॉम भोजपत्र ऑप्शन ए है लीव्स ऑफ बेटुला बी है बार कप बेटुला सी है लीव्स ऑफ ब्यूटिया एंड डी बार कप पीसिया तो भोजपत्र जो है ये बेटुला प्लांट के बार्क से ऑप्टेन किया जाता है ठीक है बेटुला के बार्क से नेक्स्ट है रेड स्क्विल जो कि एक रेटिसाइड है इज ऑप्टेन फ्रॉम रेड स्क्विल रेटिसड या इसी को रोडेंटिसाइड भी कहा जाता है ये किससे ऑप्टेंट होता है ऑप्शन है हमारा ए डेरिस के रूट से बी लोंको कार्पस के रूट से सी अर्जीनिया के बल्ब से या डी क्राइजेंथमम के फ्लावर से तो रेड स्क्वेल जो है ये एक रेटिसाइड है जो कि अर्जीनिया के बल्ब से ऑप्टेंट किया जाता है ठीक है अर्जीनिया मैरिटिमा प्लांट्स के बल्ब से ऑप्टेंड करते हैं अर्जीनिया का एक और नाम भी है ड्राइमिया मैरिटिमा तो अर्जीनिया दिया रहे या ड्राइमिया दिया रहे दोनों ही एक ही प्लांट का साइंटिफिक नेम है ठीक है जिसे रेड स्कूल नाम का रेटिसाइड ऑप्टेन करते हैं ठीक नेक्स्ट है वैन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन फ्लावर्स बर्न बाई टू डिफरेंट प्लांट्स इंपॉर्टेंट टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पेसीज द प्रोसेस इज कॉल्ड मतलब कि अगर किसी सेम स्पेसीज के दो डिफरेंट प्लांट के बीच में पॉलीनेशन होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं ऑप्शन है हमारा ए जिटेनोगी बी जेनोगैमी सी हाइब्रिडिज्म या डी क्लेस्टोगैमी तो हाइब्रिडिज्म जो है हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को लिखा हुआ है यहाँ पे तो ये तो हमारा पॉलिनेशन का कोई टाइप नहीं है तो ऑप्शन सी ऐसे ही एलिमिनेट होता है बाकी ये जो तीन ऑप्शन हैं हम इनको देख लेते हैं थोड़ा समझ लेते हैं सबसे पहले हम ऑप्शन डी देखते हैं क्लेस्टोगैमी क्लेस्टोगैमी जो है ये ऐसी कंडीशन है मतलब अगर फ्लावर अपनी पूरी लाइफ में कभी ओपन ही नहीं होता है ऑलवेज क्लोज रहता है और पॉलिनेशन अंदर ही कर लेता है ठीक है फ्लावर कभी ओपन नहीं होगा और पॉलिनेशन अंदर ही हो जाएगा आपस में तो इस टाइप के पॉलिनेशन को कहते हैं क्लेस्टोगेमी ठीक है और अगर पॉलिनेशन ये एक प्लांट है ये एक प्लांट है ठीक है और इसमें एक फ्लावर यहाँ है एक फ्लावर यहाँ है ठीक है और इन दोनों फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होता है मतलब सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन होता है तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम कहते हैं जिटोनोगैमी ठीक है अब तीसरा देख लेते हैं अगर पॉलिनेशन दो डिफरेंट जैसे ये प्लांट है ठीक है और एक ये प्लांट है दो डिफरेंट प्लांट्स हैं उनके फ्लावर्स के बीच में अगर पॉलीनेशन होता है तब हम कहेंगे इस टाइप के पॉलिनेशन को जेनोगैमी ठीक है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में अगर पॉलीनेशन होता है सेम स्पीसीज़ के तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं जेनोगैमी ठीक है अगर फ्लावर ओपन ना हो और उनके बीच में सेम फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन हो जाए और फ्लावर कभी ओपन ही ना हो तो उसको कहेंगे क्लेस्टोगैमी ठीक है और अगर सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के बीच में हो पॉलीनेशन तो जिटोनोगैमी कहेंगे और अगर दो डिफरेंट प्लांट के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है तब उसको कहेंगे जेनोगैमी ठीक है तो राइट आंसर है बी नेक्स्ट क्वेश्चन कोकोनट फ्रूट इज फ्रूट्स के टाइप हैं हमें बताना है कि कोकोनट किस टाइप का फ्रूट है ऑप्शन ए है नट बी नटलेट सी ड्रूप डी कैप्सूल तो कोकोनट नाम में तो नट है लेकिन ये नट नहीं है ये ड्रूप टाइप का फ्रूट है ठीक है कोकोनट एक ड्रूप टाइप का फ्रूट है मैंगो भी ड्रूप है कोकोनट भी ड्रूप है नेक्स्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज इंजरियस टू प्लांट्स बिकॉज इट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मतलब यू वी रेज जो है ये प्लांट्स के लिए इंजरियस क्यों होती हैं ऑप्शन है Option हमारा बिकॉज इट ब्रेक्स इट ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट्स बी इनक्रीज रेस्परेशन सी इट कॉजेज डिहाइड्रेशन या फिर डी इट कॉजेज जीन म्यूटेशन तो हम जानते हैं कि जो यू वी रेज होती हैं जो यू वी रेज होती हैं वो अगर हमारे स्किन पे या फिर प्लांट्स पे अगर पड़ती हैं तो उसकी वजह से म्यूटेशन हो जाता है ठीक है तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा कि अल्ट्रावाइलेट रेडिएशन जो है प्लांट्स के लिए इंजीरियस इसलिए होती हैं क्योंकि ये जीन म्यूटेशन कॉज करती हैं ठीक अगला क्वेश्चन देखते हैं हु डिस्क्राइब्ड द एनुअल रिकरेंस ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट इन इंडिया इंडिया में व्हीट का जो रस्ट डिजीज है उसका एनुअल रिकरेंस इसने डिस्क्राइब किया था ऑप्शन है हमारा ए बी बी मुंडूकर ऑप्शन बी है के सी मेहता सी है आर एस सिंह और डी है ई e, जे बटलर तो हम जानते हैं कि जो के सी मेहता हैं इनको इंडियन रस्ट हंटर के नाम से जाना जाता है ठीक है केसी मेहता को इंडियन रस्ट हंटर के नाम से जाना जाता है और इन्होंने ही व्हीट के रस्ट डिजीज का एनुअल रिकरेंस के बारे में बताया था तो राइट right आंसर है हमारा बी अगला क्वेश्चन है मोस्ट एडवांस्ड फैमिली एमंग डाइकॉट्स इज डाइकॉट की मोस्ट एडवांस फैमिली कौन सी है ऑप्शन ए है मालवेसी बी सोलनेसी सी कंपोजिटी सोलने या फिर डी कुकुरबिटेसी तो मोस्ट एडवांस फैमिली डाइकॉट की है कंपोजिटी जिसको एस्टरेसी भी कहा जाता है ठीक है एस्टेरेसी न्यू नेम है और कंपोजिटी ओल्ड नेम है राइट आंसर है सी अगला क्वेश्चन है इन रेसीमोस इनफ्लोरिस्ट रेसीमोस इन्फ्लोरिस में क्या होता है ऑप्शन ए है यंगेस्ट फ्लावर एट द टॉप बी है ओल्डेस्ट फ्लावर एट द टॉप सी है यंगेस्ट इन मिडिल या फिर डी आइदर ऑफ देंस जनरली दो तरीके के होते हैं एक तो ये रेसिमोस और दूसरा है साइमोस ठीक है अब हम यहाँ पे रेसिमोस पूछा जा रहा है तो रेसिमोस में एक वर्ड है रेस रेस या रेस में क्या होता है रेस में लोग कंटिन्यूसली भागते रहते हैं है ना कंटिन्यूसली भागते हैं तो यहाँ पे आप रेस से ये समझ सकते हैं मतलब समझने के लिए कि रेसिमोस में रेस लगी हुई है और जैसे अगर ये प्लांट है और ये इसका मेन एक्सिस है टॉप वाला रीज़न है तो ये कंटिन्यूसली ग्रोथ करता रहता है ठीक है इसकी ग्रोथ नहीं रुकती ये कंटिन्यूसली ग्रोथ करता रहता है करता रहता है ठीक है रेस लगी हुई है और ये ऊपर ग्रोथ करता जा रहा है तो ये हो गया रेसिमोस इन्फ्लोरिसेंस इन्फ्लोरिसेंस के सेंस में समझे फ्लावर के सेंस में तो यहाँ टॉप पे हमेशा फ्लावर लगते रहेंगे है ना और जो सबसे यंग वाला होगा क्योंकि ग्रोथ कंटिन्यूस है टॉप पे तो जो सबसे यंग वाला फ्लावर होगा वो सबसे टॉप पे होगा और जो सबसे ओल्ड वाला फ्लावर होगा वो सबसे नीचे होगा कहीं यहाँ पे ठीक है और यंग वाला टॉप पे तो यहाँ पे ऑप्शन में बोला जा रहा है ऑप्शन ए है यंगेस्ट फ्लावर एट द टॉप ठीक है तो रेसीमोसन फ्लोरेसेंस में अभी बताया कि जो सबसे यंगेस्ट फ्लावर होगा वो टॉप पे होगा और बाकी सारे फ्लावर्स जो होंगे वो नीचे होंगे मतलब ओल्डेस्ट सबसे नीचे और यंगेस्ट सबसे ऊपर तो राइट आंसर हमारा होगा ए अगर यहीं पे साइमोस एंड फ्लोरिस की बात करता तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो फ्लावर लगता है ये प्लांट है सबसे पहला जो फ्लावर होगा ना वो एकदम टॉप पे लगेगा ठीक है और ग्रोथ रुक जाएगी टॉप पे ग्रोथ यहाँ पे टर्मिनेट हो गई उसके बाद जो फ्लावर्स लगेंगे वो ऐसे नीचे लगते जाएंगे ठीक है ये पहला फ्लावर फिर ये दूसरा फ्लावर फिर ये तीसरा फ्लावर तो जो सबसे यंग फ्लावर होगा वो सबसे नीचे होगा ठीक है और सबसे ओल्ड वाला फ्लावर सबसे ऊपर होगा तो साइमोस के केस में जस्ट उल्टा होगा रेसिमोस का तो रेसिमोस का राइट आंसर है ये ए यंगेस्ट फ्लावर एट टॉप। अगर साइमोस होता तो राइट आंसर हो जाता बी ओल्डेस्ट फ्लावर एट टॉप। ठीक है? अगला क्वेश्चन है द रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज बाई एन रेड रस्ट ऑफ टी अब क्योंकि ये रस्ट डिजीज है और रस्ट डिजीज हम जानते हैं फंजाई की वजह से होता है पक्सिनिया नाम के फंजाई से ठीक है लेकिन ये जो रेड रेस्ट ऑफ़ टी डिजीज़ है ना ये फंजाई से नहीं होता है ऑप्शन है हमारा ए वायरस बी एल्गा सी बैक्टीरियम और डी फंगस तो रेड रेस्ट ऑफ़ टी डिजीज़ जो है ये एक एल्गी से होता है अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था पैरासिटिक एल्गी का जिसमें सिफेल्यू रॉस स्पेसीज थी तो सिफेल्यू रॉस स्पेसीज जो है वो एक ग्रीन एल्गी है ठीक है और उसी की वजह से रेड रेस्ट ऑफ टी डिजीज़ होता है तो राइट आंसर है हमारा एल्गा जो कि ये डिजीज कॉज करता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट ऑफ कोकोनट इज कोकोनट का एडिबल पार्ट कौन सा है ऑप्शन ए है सीड बी एंडोस्पम सी एपी डी मीजोकार्प तो कोकोनट का जो एडिबल पार्ट होता है जो हम खाते हैं वो है एंडोस्पर्म ठीक है हम एंडोस्पर्म खाते हैं तो राइट आंसर है बी अगला क्वेश्चन इन 1967 सिक्सटी सेवन डायनर एंड रैमर रिपोर्टेड कॉज ऑफ पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर ट्यूबर पोटै पोटैटो स्पिडल ट्यूबर एक डिजीज़ है नाइनटीन सिक्सटी सेवन में डायनर और रैमर ने यह डिजीज रिपोर्ट की और बताया कि सम ऑर्गेनिजम्स हैविंग न्यूक्लिक एसिड बट नो प्रोटीन कैप्सिड मतलब इन्होंने एक डिजीज़ देखा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नाम की और कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जो ये डिजीज़ कॉज कर रहे थे बट उनके पास केवल न्यूक्लिक एसिड था कोई भी प्रोटीन कैप्सिड नहीं था तो उस ऑर्गेनिज्म को इन्होंने क्या कहा देवर कॉल्ड ऑप्शन ए है विरियन, बी प्रियन, सी वायरस या डी विरायड तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिसके पास केवल न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन कैप्सिड नहीं है और वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज कर रहा है तो उस ऑर्गेनिज्म को डाइनर और रेमर ने कहा कि ये विरायड है ठीक है उसका नाम इन्होंने विरायड दिया ठीक राइट आंसर है डी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज किसकी वजह से होता है तो भी विरायड ठीक है और प्रियॉन्स जो है ये केवल प्रोटीन है विदाउट न्यूक्लिक एसिड केवल प्रोटीन कैप्सिड ही होगा और न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा तो उसको प्रियॉन कहते हैं वायरस आप जानते हैं न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन कैप्सिड तो हो जाएगा वायरस और विरियोन क्या है एक कंप्लीट वायरस पार्टिकल को हम विरियॉन कहते हैं अगला क्वेश्चन है स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय स्मॉल पॉक्स एक वायरल डिजीज है ये किसकी वजह से होता है यहाँ कुछ नाम है ऑप्शन ए है वेरियोला बी कॉक्सी सी एडिस डी फ्रेंसीला फ्रांसीसेला तो स्मॉल पॉक्स जो है ये वेरियोला नाम के वायरस से होता है ठीक है वेरियोला अगला क्वेश्चन देखते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ओव्यूल्स द सैक इज हॉर्स शू शेप्ड किस टाइप के ओव्यूल में सैक हॉर्स शू शेप्ड का होता है ऑप्शन है हमारा ए हेमीट्रोपस ओव्यूल बी ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल सी एम्फीट्रोपस ओव्यूल या डी सरसिनोट्रोपस ओव्यूल तो ऐसा ओव्यूल जिसका सैक हॉर्स शू शेप्ड होता है वो है एम्फीट्रोपस ओव्यूल ठीक है राइट right आंसर है सी एम्फी Amphitropos... अगला क्वेश्चन देखते हैं फाजिज विच शो लाइसोजेनिक साइकिल और कॉल्ड फाजिज मतलब बैक्टीरियो फाज के बारे में बोला जा रहा है बैक्टीरियो फाजेज जो कि लाइसोजेनिक साइकिल शो करते हैं उनको क्या कहते हैं ऑप्शन है ए टेम्परेट फेज बी लाइटिक फेज सी विरोट फेज या फिर रन ऑफ द एबब तो वो बैक्टीरियो फ़ाज़ जो कि लाइसोजेनिक साइकिल शो करते हैं उनको टेम्परेड फेज करते हैं ठीक है टेम्परेड फेज लाइसोजेनिक साइकिल क्या होती है कि जैसे बैक्टीरियो फ़ाज है ये बैक्टीरिया पे अटैक किया ठीक है और अपने जीनोम को बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया ठीक है ये बैक्टीरिया का जीनोम है और ये है बैक्टीरियो का जीनोम जो कि इसके अंदर जाके इंसर्ट हो गया इनकारपोरेट हो गया और वैसे ही पड़ा हुआ है ठीक है तो इस तरीके का जो कंडीशन होता है जिसमें बैक्टीरियो का जीनोम बैक्टीरिया के जीनोम में इनकारपोरेटेड होता है ऐसे ही पड़ा रहता है तो उस साइकिल को हम कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल ठीक है और ऐसे फेज जो कि ये साइकिल शो करते हैं उनको टेम्परेट फेज कहते हैं ठीक अगला क्वेश्चन है प्लांट वायरस वॉज फर्स्ट क्रिस्टलाइज बाई प्लांट वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया था ऑप्शन है हमारा ए बॉडेन ने बी पायरी ने सी बिजेरिंक ने या फिर डी स्टैनले ने तो प्लांट वायरस सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया था स्टैनले ने ठीक स्टैनले ने और कौन सा प्लांट वायरस था वो था टीएमबी टोबैको मोजैक वायरस ठीक है जो सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया गया था नेक्स्ट है गैमिटेंजियल कॉपुलेशन इज कॉमन इन गैमिटेंजियल कॉपुलेशन किस में कॉमन होता है पहले बात करते हैं गैमिट कॉपुलेशन क्या होता है गैमिटेंजियल कॉपुलेशन का मतलब जैसे ये दो गैमिटेंजिया हैं ये एक गैमिटेंजियम और ये दूसरा गैमिटेंजियम ये दोनों फ्यूज करेंगे एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं उसके बाद एक गैमिटेंजिया का पूरा कंटेंट दूसरे गैमिट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है ठीक है तो इस प्रोसेस को कहते हैं गैमिट एंजियल कॉपुलेशन अब यहाँ पे चार कैटेगरीज हैं फंग फंजाई की ऑप्शन ए है एस्कोमाइसिटीज बी है जाइगोमाइसिटीज सी है बेसिडियोमाइसिटीज डी ड्यूटरोमाइसिटिस तो गैमिट एंजियल मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है जाइगोमाइसिटीज के मेम्बर में ठीक है जाइगोमाइसिटीज़ अगला क्वेश्चन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज बाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है ऑप्शन ए है प्रेजेंस ऑफ टेकोइक एसिड इन दी सेल वॉल तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में टेकोइक एसिड होता है ठीक है तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन बी देखते हैं हाई परसेंटेज ऑफ पेप्टीडोग्लाइकिन इन दी सेल वॉल यस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टीडोग्लाइकिन का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि इनका जो सेल वॉल होता है काफ़ी थिक होता है और वो इसीलिए होता है क्योंकि इनमें पेप्टीडोगोग्लाइकेन का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होता है तो बी बी कैरेक्टरिस्टिक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सी देखते हैं लो परसेंटेज ऑफ लिपिड यस ये भी है इसका करेक्टरिस्टिक पेप्टीडोग्लाइकेन काफ़ी ज़्यादा होता है और लिपिड का परसेंटेज काफ़ी कम होता है ठीक है और डी है ऑल ऑफ द एबब तो क्या हो जाएगा डी ऑल ऑफ द एबब सारे ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं अगला क्वेश्चन है द डबल हेलिक्स डी एन ए मॉडल डिस्क्राइब्ड बाई वाटसन एंड क्रिक इज़ कॉल्ड वाटसन एंड क्रिक ने जो डबल हेलिक्स डी एन ए मॉडल डिस्क्राइब किया था वो किस टाइप का डी एन ए था ऑप्शन ए है सी डी एन ए बी है डी डी एन ए सी है जेड डी एन ए और डी है बी डी एन ए तो वाटसन एंड क्रिक ने जो डबल हेलिक्स डी एन ए मॉडल डिस्क्राइब किया था वो बी डी एन ए था क्योंकि बी डी एन ए मोस्ट कॉमन टाइप का डी एन ए है ठीक है तो उन लोगों ने जो मॉडल डिस्क्राइब किया था डबल हेलिक्स का वो बी डी एन था अगला क्वेश्चन वन ऑफ फॉलोइंग इज अ फूड फूड बर्न बर्न टॉक्सिन टॉक्सिन कौन सा है ऑप्शन ए है टीटेसिनम टॉक्सिन बी है टॉक्सिन सी टॉक्सिन डी डिप्थीरिया टॉक्सिन तो बी जो है राइट right आंसर है बॉटोलिनम टॉक्सिन जो कि फूड बर्न टॉक्सिन है ये बॉटोलिनम टॉक्सिन किससे ऑप्टेन किया जाता है तो जो बैक्टीरिया है क्लास्ट्रीडियम बॉटोलिनम वो प्रोड्यूस करता है ये टॉक्सिन बॉटोलिनम ठीक है, है तो राइट आंसर है बी अगला क्वेश्चन है ब्रांच्ड कोनिडियोफोर फोर इज इन तो ऐसा फंजाई जिसमें कोनिडियोफोर फोर ब्रांच होता है वो कौन सा है ऑप्शन है हमारा ए पेनीसीलियम बी राइजोपस सी अस्टिलैगो या फिर डी सेक्रोमाइसिस तो ब्रांच्ड कोनीडियो फोर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है पेनीसीलियम का ठीक है पेनीसीलियम काफी इंपॉर्टेंट है फंगस का ये क्वेश्चन अगला है अ फ्री लिविंग बैक्टीरियम कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इज वो फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में कैपेबल है वो कौन सा है ऑप्शन है ए राइजोबियम बी एजोटोबैक्टर सी क्लॉस्टीडियम डी स्ट्रेप्टोकोकस तो स्ट्रेप्टोकोकस तो होगा ही नहीं ठीक है बाकी तीन ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए है राइजोबियम ये भी नहीं होगा क्योंकि राइजोबियम जो है हम जानते हैं लेग्यूम प्लांट में रूट नोड्यूल बनाता है और सिम्बैटिक एसोसिएशन के साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ठीक है तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा बचता है सी और डी तो एजोटोबैक्टर और क्लास्टिडियम ये दोनों ही फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं ठीक है तो हमारा राइट आंसर बी भी होगा और सी भी होगा ये दोनों ही फ्री लिविंग कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है सीव लाइक सेल्स आर फाउंड इन ऑप्शन है हमारा ए साइटोनीमा बी ऑसिलेटोरिया सी लेमिन डी जेलिडियम तो साइटोनीमा ऑसिलटोरिया ब्लू ग्रीन एलगी है जेलिडियम रेड एलगी है लेमिन ब्राउन एलगी है और सीव लाइक -like सेल्स जो हैं ये ब्राउन एलगी लेमिन में देखने को मिलता है ठीक है राइट right आंसर है सी नेक्स्ट है सदर्न ब्लॉटिंग इज अ टेक्निक फॉर सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक किसके लिए यूज़ किया जाता है ऑप्शन है हमारा ए सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड नहीं न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस पी टेक्निक से करते हैं ऑप्शन है हमारा बी एस्टिमेशन ऑफ डीएनए नहीं सदर्न ब्लॉटिंग से हम डीएनए को एस्टिमेट नहीं करते हैं और ऑप्शन सी है एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं प्रोटीन के लिए तो होता ही नहीं है सदर्न ब्लॉटिंग डी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट्स यस डीएनए सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज़ की जाती है नेक्स्ट प्लैकिया स्टेज इज फाउंड इन दी लाइफ साइकिल ऑफ किसकी लाइफ साइकिल में प्लेकिया स्टेज देखने को मिलता है ऑप्शन ए है क्लेमाइडोमोनास बी वॉलवॉक्स सी यूलोथ्रिक्स डी स्पाइरो तो प्लेकिया स्टेज जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वॉलवॉक्स का ठीक है ग्रीन एलगी है वॉलवॉक्स जिसमें प्लेके स्टेज देखने को मिलता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नेक्स्ट है म्यूरी फॉर्म कोनीडिया आर फाउंड इन अभी हम लोगों ने ब्रांच कोनेडियो फोर देखा था जो कि पेनीसिलियम का कैरेक्टरिस्टिक था अब यहाँ पे म्यूरीफॉर्म कोडिया है ठीक है ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए है अल्टरनेरिया बी राइजोपस में सी एगेरिकस में या फिर डी एस्पर्जिलस में तो म्यूरीफॉर्म कोनीडिया जो होता है वो अल्टरनेरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ठीक है अल्टरनेरिया में म्यूरीफॉर्म कोडिया पाया जाता है और ये कुछ इस तरीके का होता है जैसे ये कोनीडिया है तो ये कुछ ऐसे बीड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ऐसे ठीक है ये बीड लाइक लाइकोच स्ट्रक्चर इस तरीके से कोनेडिया बना होता है जिसको म्यूरीफॉर्म कोनेडिया कहते हैं जो अल्टरनेरिया में पाया जाता है नेक्स्ट है लिटिल लीव ऑफ ब्रिंजल इज़ कॉज्ड बाई ये डिजीज़ लिटिल लीव ऑफ ब्रिंजल किसकी वजह से होती है ऑप्शन है हमारा ए जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस बी जेंथोमोनास जेंथोमोनासिट्री सी कोरिन बैक्टीरियम ट्रिटिससी या फिर डी माइको तो लिटिल लीव ऑफ ब्रिंजल जो है ये माइको की वजह से होता है ठीक है नेक्स्ट ग्लाई ऑक्सीडेट साइकिल इन दी प्लांट्स इज कन्वर्जन ऑफ ऑप्शन है ए कार्बोहाइड्रेट टू फैट बी है फैट टू कार्बोहाइड्रेट सी फैटी एसिड टू फैट या फिर डी ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो ग्लाई ऑक्सीट साइकिल जो है ये केवल और केवल प्लांट्स में देखने को मिलती है और कहाँ पे होता है ग्लाई ऑक्सीजोम नाम का ऑर्गेनल होता है जिसके अंदर ये साइकिल चलती है ठीक है अब इसमें कन्वर्जन किसका होता है यहाँ पे कन्वर्जन होता है फैट का कार्बोहाइड्रेट में ठीक है राइट right आंसर है बी फैट का कार्बोहाइड्रेट में फैट कौन सा होता है एसिटाइल को एंजाइम ए ठीक है एसिटाइल को एंजाइम ए जो है ये फैट है और ये चेंज हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में ठीक है तो राइट right आंसर है हमारा फैट टू कार्बोहाइड्रेट नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट एन एक्जो एंजाइम अब एक्जो एंजाइम क्या होता है एग्जो एग्जो मीन्स होता है आउटसाइड ठीक है या बाहर और एंजाइम तो ऐसा एंजाइम जो कि एंजाइमेटिक फंक्शन सेल के बाहर परफॉर्म करता है उसको एग्ज़ो एंजाइम कहते हैं ठीक है थीके? मतलब ये सेल है सेल के अंदर ये एंजाइम क्या होते हैं प्रोटीन एसियस होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं ठीक है प्रोटीन ही अगर एंजाइमेटिक फंक्शन कर रहा है तो उसको एंजाइम कहेंगे तो सबसे पहले ये एंजाइम्स सेल के अंदर बने उसके बाद सेल ने इनको सिक्रीट आउट कर दिया मतलब बाहर सिक्रीट कर दिया अब ये बाहर जाने के बाद अपना एंजाइमेटिक फंक्शन अगर परफॉर्म करते हैं तो ऐसे एंजाइम को एग्जो एंजाइम कहते हैं ठीक है और ऐसे एंजाइम जो कि सेल के अंदर बने और अंदर ही एंजाइमेटिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनको एंडो एंजाइम कहते हैं ठीक है तो अब हम देखते हैं कि कौन सा एंजाइम है जो कि एग्जो एंजाइम नहीं है ऑप्शन है हमारा ए प्रोटीएज बी लाइपेज सी सेलुलेस और डी नाइट्रोजिनेज तो प्रोटीएज लाइपेज और सेलुलेज ये तीनों ही बाहर सीक्रीट किए जाते हैं और फिर बाहर ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं ठीक है लेकिन ये जो नाइट्रोजीनीज एंजाइम है ये सेल के अंदर ही बनता है और अंदर ही एंजाइमेटिक एक्शन करता है ठीक है तो ये एंडो एंजाइम है ना कि एक्जो एंजाइम राइट आंसर होगा हमारा डी नाइट्रोजिनीज नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन है हमारा पहला मैक्सिमम एसेंट ऑफ सैप अकर्स ड्यूरिंग डे मैक्सिमम एसेंट ऑफ सैप दिन के समय में होता है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि दिन के समय में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा ट्रांसपेरेशन होता है जिसकी वजह से प्लांट्स को ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करना पड़ता है और वाटर का जो एब्जॉर्बसन होता है प्लांट में उसको एसेंट ऑफ सैप कहते हैं तो ज़्यादा ट्रांसपेरेशन होगा तो ज़्यादा एसेंट ऑफ सैप होगा दिन के समय में तो पहला ही हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है ठीक है बाकी ऑप्शन देख लेते हैं बी बोल रहा है कि फ्लोयम परफॉर्म्स वाटर ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है फ्लोयम वाटर ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता जाइलम करता है ठीक है फिर तीसरा कहा जा रहा है कि वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स फ्रॉम फिजियोलॉजिकल ड्राई सॉयल इज़ मोर ड्राई सॉयल से वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कैसे हो सकता है वहाँ पे वाटर इतना ज़्यादा अवेलेबल ही नहीं होगा तो वाटर एबजॉर्प्शन ज़्यादा कैसे होगा ठीक है तो ये स्टेटमेंट भी गलत है करेक्ट स्टेटमेंट हमारा ए नेक्स्ट है विच एमंग फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंडियूज नेस्टिक मूवमेंट इंडियूज नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है पहले समझते हैं उसके बाद हम ऑप्शन देखेंगे नेस्टिक मूवमेंट अगर किसी वजह से इंडियूज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे इंडियूज नेस्टिक मोमेंट ऑप्शन देखते हैं ए है एपीनेस्टी बी फोटोनेस्टी सी थर्मोनेस्टी डी सेस्मोनेस्टी वन बाई वन सारे ऑप्शन हम देखते हैं हमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि इंड्यूस्ड नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है ऑप्शन डी से शुरू करते हैं ऑप्शन डी है सेस्मोनेस्टी सेस्मोनेस्टी मतलब सेस्मोनेस्टी देखने को मिलता है छुई मुई प्लांट में मतलब टच मी नॉट मीमोसा प्यूडिका में ठीक है तो उसमें क्या होता है कि ये लीव्स हैं अगर इनको हमने टच किया ठीक है तो जैसे ही हम इनको टच करते हैं तो टच के रिस्पॉन्स में ये जो लीव्स हैं ये क्लोज हो जाती हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो नेस्टिक मूवमेंट है ये टच के रिस्पॉन्स में काम कर रहा है मतलब टच से ये नेस्टिक मूवमेंट इंड्यूज हो रहा है ठीक है तो ये इंड्यूस्ड नेस्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल है ठीक है हमें बताना है कि कौन सा इंड्यूस्ड नेस्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल नहीं है तो क्योंकि यहाँ टच के रिस्पॉन्स में नेस्टिक मूवमेंट हो रहा है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा ठीक है अगला ऑप्शन बी देखते हैं फोटोनेस्टी यहाँ पे नेस्टिक मूवमेंट कैसे हो रहा है फोटो फोटोमीन्स लाइट लाइट के रिस्पॉन्स में लाइट इंड्यूस कर रहा है नेस्टिक मूवमेंट को तो ये भी इंड्यूस्ड नेस्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल है तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा ऑप्शन सी है थर्मो नेस्टी थर्मो थर्मोमीन्स टेम्परेचर तो टेम्परेचर अगर इंड्यूस कर रहा है नेस्टिक मूवमेंट को तो उसको कहेंगे थर्मो नेस्टी तो ये भी इंड्यूस्ड नेस्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल है तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा बचता है ए एपी नेस्टी एपी नेस्टिक ऐसा मूवमेंट है ये किसी एक्सटर्नल इंडक्शन की वजह से नहीं होता है बल्कि जब प्लांट ऑर्गन में इंटरनल ग्रोथ होती है ठीक है जैसे लीव्स में और पेटल्स में अगर इंटरनल ग्रोथ होती है तो उसकी वजह से जो नेस्टिक मोवमेंट होता है उसको एपिनेस्टी या हाइपोनेस्टी कहते हैं ठीक है थीके? तो जो एपिनेस्टी है ये इंड्यूस्ड नेस्टिक मोवमेंट का एग्जाम्पल नहीं है तो राइट right आंसर होगा हमारा ए नेक्स्ट क्वेश्चन क्रायो प्रिजर्वेशन इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट मटेरियल एट क्रायो प्रिजर्वेशन जो है ये प्रोसेस है प्लांट मटेरियल को प्रिजर्व करने का ये किस टेम्परेचर पे होता है ऑप्शन है ए माइल्ड टेम्परेचर पे, बी वेरी हाई टेम्परेचर पे सी वेरी लो टेम्परेचर पे या फिर नन ऑफ दी एवर तो क्रायो प्रिजर्वेशन जो है इसमें प्लांट मटेरियल को प्रिजर्व करते हैं अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे मतलब वेरी लो टेम्परेचर पे ठीक है और अगर हम टेम्परेचर की बात करें कि किस टेम्परेचर पे प्रिजर्वेशन होता है तो माइनस वन नाइन्टी सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड पे इनका आ, प्रिजर्वेशन किया जाता है ठीक है राइट right आंसर हमारा सी नेक्स्ट इन एस डी एस पेस सोडियम डोडिसाइल सल्फेट प्रोवाइड्स एन ओवरऑल डैस चार्जेस टू दी प्रोटीन एस डी एस पेस एक टेक्निक है ठीक है जिसके थ्रू प्रोटीन का सेपरेशन किया जाता है लेबोरेटरी में यहाँ पे एस डी एस पेज में ये जो एस डी एस है उसी का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है एस डी एस पेज में सोडियम डोडिसाइल सल्फेट एस डी एस ये प्रोवाइड करता है प्रोटीन को कोई चार्ज ठीक है ओवरऑल चार्ज प्रोवाइड करता है हमें बताना है कि वो चार्ज कौन सा है ऑप्शन है हमारा ए पॉजिटिव बी निगेटिव सी न्यूट्रल या फिर नन ऑफ दी एब तो एस डी एस पेज में जो एस डी एस यूज़ किया जाता है वो प्रोटीन को ओवरऑल निगेटिव चार्ज देता है ठीक है एस डी एस यूज़ करने से प्रोटीन पूरी तरीके से निगेटिवली चार्ज हो जाती है जिसकी वजह से वो मूव कर पाती है पॉजिटिव चार्ज की तरफ ठीक है और प्रोटीन का सेपरेशन होता है तो राइट आंसर है हमारा बी नेक्स्ट क्वेश्चन ओजोन इज प्रेजेंट इन लार्ज कॉन्सेंट्रेशन इन ओजोन लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में कहाँ प्रेजेंट होता है ऑप्शन ए है आइनोस्फियर में बी स्ट्रेटोस्फियर में सी आर्कटिक रीजन में या फिर डी अंटार्कटिक रीजन में तो ओजोन हम जानते हैं कि स्ट्रेटोस्फियर जो है यहां पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है ठीक है फाइव लेयर्स होती हैं तो स्ट्रेटोस्फियर जो है ये सेकेंड लेयर है जहां पे ओजोन सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है ठीक अगला क्वेश्चन द फूड चैन दैट स्टार्ट फ्रॉम प्लांट्स एंड गोज फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर एनिमल्स इज मतलब ऐसा फूड चैन जो कि स्टार्ट हो रहा है प्लांट से और फिर स्मॉल एनिमल से होकर के लार्ज एनिमल पे ख़त्म हो रहा है तो इस तरीके का फूड चेन क्या कहलाता है ऑप्शन है हमारा ए डिट्राइटस फूड चेन बी पैरासिटिक फूड चेन सी प्रीडेटर फूड चेन या डी सेप्रोफिटिक फूड चेन तो इस टाइप का फूड चेन जिसमें प्लांट्स जो कि प्रोड्यूसर्स हैं ठीक है इनसे शुरू हो रहा है ये फूड चेन फिर इनको हरबी वोर खा रहे हैं ठीक है स्मॉल एनिमल्स हरबी वोर हो गए जैसे कि गोट रैबिट इन लोगों ने खाया और इनको लार्ज एनिमल्स खा गए ठीक है जैसे कि लॉयन वुल्फ ये सब खा गए तो इस टाइप का फूड चेन क्या कहलाएगा ये कहलाता है प्रीडेटर फूड चेन जिसमें प्लांट्स को खाया स्मॉल एनिमल ने स्मॉल एनिमल को खा लिया लार्ज एनिमल ने ठीक है शुरू हुआ प्लांट पे खत्म हुआ लार्ज एनिमल पे यही बोला जा रहा है कि स्टार्ट हो रहा है प्लांट से और फिर स्मॉल एनिमल से होते हुए लार्ज एनिमल पे खत्म हो रहा है तो इस टाइप का फूड चेन कहलाता है प्रीडेटर फूड चेन ठीक सो so, ये थे फोर्टी क्वेश्चन और मॉडल पेपर टू कम्प्लीट हुआ अगली क्लास में हम लोग मॉडल पेपर थ्री लेकर आएंगे और फिर से हम फोर्टी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है सो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ मी स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग थैंक यू